मैं गौरव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे कोडोन बायोलॉजी के स्पेशल प्रोग्राम कोडोन एग्जाम अपडेट में। और आज इस दूसरे एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंटशिप के बारे में। अगर आप एमएससी करना चाह रहे हैं लाइफ साइंस से, और अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सरशिप करे या स्टूडेंटशिप मिले, तो बस आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए पहले भी स्टूडेंटशिप मिलता था, और वो देती थी जेएनयू सीईई बी के तहत एक एग्जाम लिया जाता था, और उसके आधार पर रैंक दिए जाते थे, और उस रैंक के आधार पर जो भी डीबीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज थे उसमें एडमिशन लेने के बाद 5000 का अमाउंट हर एक स्टूडेंट को एज स्टूडेंटशिप के तौर पे दिया जाता था। लेकिन आज हम लोग जेएनयू सीईबी का बात नहीं करेंगे, तो चलिए बात करते हैं एक नए एग्जाम का जो इसी साल लॉन्च हुआ है, और वो है गेट बी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि GATB 2020। मैं गेट JRF की बात नहीं कर रहा, ये है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जिसका कि एग्जाम रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट करेगी। इस एग्जाम को CEEB के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया है, यानी कि जो एग्जाम JNU लेती थी CEEB का, अब वो एग्जाम नहीं होने वाली है, उसके जगह पर GATB यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम होगा, और ये इसी साल 2020 में लॉन्च किया गया है। तो इसके फॉर्म फिलअप का डेट अभी है, 1 जून से शुरू हुआ था और ये 18 जून तक रहेगा, यानी कि अगर आपने BSc अभी कंप्लीट की है और MSc लाइफ साइंस से करना चाहते हैं या इसके अलाइड ब्रांच से करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप इस एग्ज़ाम को दें, क्रैक करें और अपना MSc स्टूडेंटशिप के साथ करें। चलिए अभी इस एग्ज़ाम के डिटेल में बातें करते हैं कि एग्जामिनेशन का जो मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, CBT मोड होगा, और जो ड्यूरेशन है वो 180 मिनट का है, यानी कि 3 आवर्स का होंगे, और इस एग्जाम की वैलिडिटी 1 साल के लिए होगा। अगर आप गेट भी 2020 दे रहे हैं, ये 2020 से लेके 21 तक वैलिड रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक्चुअल में ये तय होता है उस इंस्टीट्यूट से जहाँ आप दाखिला लेने वाले हैं कि आप MSc के किस अलाइड ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, और उस अलाइड ब्रांच के लिए उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उसका क्या क्राइटेरिया लगाया गया है। तो ये रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट जो है उसके वेबसाइट पे या उसके द्वारा निकाले गए एडवर्टाइजमेंट में आप पता कर सकते हैं। मैंने भी कहा कि लाइफ साइंस एंड अलाइड ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, तो कौन से ब्रांच? सबसे पहला तो जो MSc बायोटेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं, दूसरा MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा मास्टर इन वेटरनरी साइंस, चौथा MTech बायोटेक्नोलॉजी, और कुछ लाइफ साइंस के अलाइड ब्रांच हैं जिसमें स्टूडेंटशिप दिया जाएगा। इसकी एक लंबी लिस्ट है, आप इसे NCIPB के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके www.rcb.rac.in गेट बी पर भी पा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन डिटेल पे, तो इसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 60 कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे जो कि 10+2 लेवल का होगा, उसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा और बायोलॉजी होगा। ये चारों का 10+2 लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, और गलत उत्तर देने पर आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। वहीं पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से सिर्फ 60 आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो कि बैचलर लेवल का होगा, और क्वेश्चन का जो टॉपिक होगा वो बेसिक बायोलॉजी होगा, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, और उसके कुछ अलाइड एरिया हैं। इसका सिलेबस भी आप ncibb.org.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक सही उत्तर देते हैं तो उसके लिए
3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि किस ब्रांच में कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं और अलाइड एरिया मतलब कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, तो 5000 पर मंथ का स्टूडेंटशिप आपको दिया जाएगा। और अगर आप एमएससी इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं तो 7500 पर मंथ दिए जाएंगे। और अगर आप एमटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं या मास्टर इन वेटरनरी साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए 12000 पर मंथ का स्टूडेंटशिप दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके मोड ऑफ एप्लीकेशन पे। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं www.rcb.rec.in गेट पी पर और वहां जाके फॉर्म फिलअप करें। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 का एग्जामिनेशन फी है और वहीं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस या डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट के लिए 500 का एग्जामिनेशन फी है। एक जो ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि पास करने के बाद जो एडमिशन या सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, गेट भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। एक्चुअली गेट भी क्या कर रहा है कि आपको एक रैंक दे रही है, यानी कि एक नंबर जो आपका रैंक है और उस रैंक के आधार पर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट ये डिसाइड करेगी कि आप उसमें फिट आते हैं या नहीं आते हैं, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया फिल करना होगा। गेट भी बस एक पास है वहां तक पहुंचने के लिए और स्टूडेंटशिप के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था इसका 1 जून को और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका क्लोज होने वाला है 18 को। आज 10 तारीख है, एक सप्ताह अभी भी आपके पास है। अगर आपने नहीं भरा है तो फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और इसका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा 25 जून को। गेट बी का एग्ज़ाम है 30 जून को। ऐसे हो सकता है कि कोविड-19 से ये एक्सटेंड हो या नहीं भी हो, कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसका नहीं है। 30 जून को इसका टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का। क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हो जाएगा 2 जुलाई को। इसके बाद अगर कोई करेक्शन अप्लाई करना है तो 6 जुलाई तक आपके पास समय रहेगा। और फिर इसका फाइनल रैंक जो है आपको 20 जुलाई को मिल जाएगा। इसके बाद आप कहीं भी एमएससी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप स्टूडेंटशिप चाहते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं कि किस किस इंस्टीट्यूट में इस एग्जाम से इस एग्ज़ाम के पास होने के बाद आप अगर एडमिशन लेंगे तो आपको स्टूडेंटशिप मिलेगी। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का लिस्ट बहुत ही लंबा है। इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज कर लें कि आप एमएससी किससे करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ है एमएससी वेटनरी साइंस, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिल जाएगा कि कितने इंस्टीट्यूट हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें आप फिट आते हैं कि नहीं आते हैं। अलग अलग ब्रांच का अलग अलग कॉलेज में दाखिला कैसे होगा और उसमें कितना सीट है, इसका एक लंबी लिस्ट है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाके ncibb.org.in पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। चलिए हम आपको इस पूरे लिस्ट का कुछ झलक दिखाते हैं। ये एनेक्सर 1 है जो गेट बी ने जारी किया है और इसमें आप देख पाएंगे कि कितने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं और उसमें कितना सीट है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, उसी तरह से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एमटेक बायोटेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड एरिया और इसके लिए इंस्टीट्यूट, जैसे कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि गेट बी के थ्रू से आप किस इंस्टीट्यूट में जाएंगे और उस इंस्टीट्यूट में आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने से स्टूडेंटशिप पाएंगे। जैसे मैं आपको कोई दिखाता हूँ एमएससी अलाइड साइंस जो है, उसमें से क्या है एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में भी कर सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड हॉस्पिटल फॉर जेनेटिक डिजीज उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना में होता है, जिसमें कि 10 सीट है और उसका एलिजिबिलिटी है कि आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए या जेनेटिक्स से होना चाहिए या तो माइक्रोबायोलॉजी से होना चाहिए। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है और ये 16 पेज का है। आप इसे डाउनलोड कर लें और आराम से देखें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उसके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या है। ये गेट बी 2020 का सिलेबस है, जिसमें से पार्ट ए में 60 कंपलसरी क्वेश्चंस हैं
जो कि 10+2 लेवल का होगा, जो हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें होगा आपका क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी होगा। इसके बाद मेन जो चीज़ें हैं वो है पार्ट बी। पार्ट बी में 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 60 करना है, तो अलग अलग सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको अपने सब्जेक्ट का 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे कि एक एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पढ़ना है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में उसका स्ट्रक्चर, उसका एक्शन पोटेंशियल और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस पढ़ना है, एंजाइम में आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये हर एक टॉपिक में, जैसे वायरस है तो वायरस में आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी में क्या पढ़ना है आपको, बैक्टीरियल डाइवर्सिटी, अलगल डाइवर्सिटी या फंगल डाइवर्सिटी। तो ये टॉपिक दिया है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक लिखा हुआ है कि आपको एक्चुअली में क्या पढ़ना है। ये 3 पेज का है पूरा, आप इसको डाउनलोड कर लें। अगर आप गेट भी देना चाह रहे हैं तो इस सिलेबस को अच्छे से देख लें और इसके अनुसार आप तैयारी करके गेट भी निकाल सकते हैं। ऐसे ये पहली बार लॉन्च हुआ है तो इसका पहला अनुभव आपको होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे इसका मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो हमने देख लिया इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका सिलेबस क्या क्या है। कोडोन एग्जाम अपडेट का अगला एपिसोड 3 जो है वो आएगा 14 जून को, जो कि संडे है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट पर हैं तो वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोडोन बायोलॉजी के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आप कोडोन बायोलॉजी से जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके साथ शेयर करेंगे बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का एक्सक्लूसिव नॉलेज। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें लिख सकते हैं codonbiology@gmail.com पर, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आप कमेंट जरूर करें क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ।